गाइस हो क्या रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। ये देखो नीचे से पानी आ रहा है शायद यहाँ से। गाइस पता नहीं कोई चमत्कार है फिर कोई ऐसा ही ऐसा पानी आ रहा है, यहाँ पे कुछ नीचे पानी का सिस्टम है, बताना गाइस कमेंट में एक बार। देखना बहुत तेज हो रहा है, ये देखो तो कमेंट करके बताना एक बार नीचे में जरूर। हमने गाइस एक ना यहाँ पे एक हमारे एक छोटी सी शॉप है जहाँ हम लैम्बोर्गिनी कार बेचते हैं, वो गाइस यहाँ पे अपनी शॉप को खोलने आए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। वो गाइस ये रही हमारी लैम्बोर्गिनी, एक ये रखा रहा है, ये तो गाइस थारा पूरी, ये देखो ये तो लैम्बोर्गिनी खड़ी है दो तीन, ये देखो वहाँ से बात है, और ये थारा पूरी का इसके पास जाने में डर लग रहा है मेरे को, कहीं ये कुछ करना। सो हेलो गाइस नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद आप लोग तो मस्त और स्वस्थ होंगे। सो गाइस स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और गाइस अब मैं इधर आया हूँ काफी दूर, ये देखो अपने घर से काफी दूर, लेकिन अब भी काफी दूर हूँ, ये देखो सारा तरह मैदानी मैदान है। मेरे साथ एक और है, वो मेरा है भाई, ठीक है, हम दो लोग आए हैं साथ में, आए इधर काफी देर ठहरने के लिए। तो गाइस इस ब्लॉग का मजा आने वाला, तो प्लीज गाइस ब्लॉग के लास्ट तक बने रहना। और गाइस इस ब्लॉग में छोटा एक टारगेट दे रहा हूँ गाइस, इस ब्लॉग में ना मेरी बस ज्यादा ना 100 लाइक कम्प्लीट कर देना, हाँ गाइस 100 लाइक कम्प्लीट कर देना, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं अपने ब्लॉग में ना काफी बड़े बड़े चैलेंज देते हैं, हमारे टारगेट रखते हैं कि 1 लाख लाइक करा दो, 2 लाख लाइक करा दो, ऐसा चैलेंज देते हैं। लेकिन मैं तो गाइस छोटा सा चैलेंज देता हूँ, तो वो भी आप कंप्लीट नहीं करवा पाते हो, देखते हैं गाइस इस ब्लॉग में कंप्लीट हो पाता है अब नहीं। मैं छोटा सा टारगेट दिया गाइस, कर दो लाइक अभी कर दो, फिर बाद में भूल जाओगे, ठीक है। तो गाइस अब मैं यहाँ पे बैठा था, ये देख सकते हो आपको लग रहा था मैं खड़ा था, लेकिन गाइस यहाँ पे बैठा था, तो अभी चलते हैं। ओ गाइस गिर गया मैं, क्या हुआ, ओ गाइस देखो ये कितने नुकीले नुकीले कांटे हैं यहाँ पे, वो लग गए मेरे पैर में, जूता पहना फिर भी लग गए, जूता भी फट गया यार, कोई ना। तो चलते हैं अभी आगे, और मेरे भाई देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको तार मिल गया उससे खेले जा रहा है। गाइस बने रहे ब्लॉग के अंत तक, देखते हैं गाइस आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ना हम जा रहे हैं काफी दूर इधर टहलने के लिए, काफी दूर मतलब काफी दूर जा रहे हैं। जो लोग मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं शुरुआत से, उनको बताऊंगा काफी दिनों पहले काफी महीनों पहले एक ब्लॉग डाला था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि हम इधर घूमने गए थे, तो काफी ज्यादा मैं चीज दिखाई थी इधर जाके। तो गाइस अब ना काफी दिनों बाद जा रहे हैं इधर, मैं जाते रहता हूँ लेकिन आपको ना लेके जा रहा हूँ काफी दिनों बाद, ठीक है। तो बने रहे ब्लॉक के अंदर, तो काफी मजा आने वाला है, पैड करेंगे रोड क्रॉस, फिर रोड के उस पार, फिर मजा आएगा, ठीक है। तो बने रहे ब्लॉक के अंदर, तो चलते हैं गाइस अभी हम बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये रहा गाइस हमारा रोड, मतलब हमारा नहीं है, हमारे झोपड़ी के पास में रोड है, वहाँ झोपड़ी पास में नहीं बोल सकते, काफी दूर है, ठीक है। तो निकलने वाले हैं अभी हम, करते रोड क्रॉस, और गाइस ये रहा रोड, करते हैं क्रॉस, ठीक है। अभी तो दूर दूर तक कोई भी वाहन नहीं है, निकल जाते हैं, ठीक है। तो निकल चुके हैं अभी इस रोड से, अभी इस वाला क्रॉस और बाकी है करना, ये भी क्रॉस हो चुका है ये वाला रोड। तो इधर आए हम घूमने के लिए, लेकिन आपको इधर सारा सारी जगह कूड़ा कूड़ा दिखा होगा, ये देखो ये कूड़ा कूड़ा है, लेकिन कूड़ा नहीं है, आपको आगे चल के दिखाता हूँ क्या क्या मतलब करने क्या आया हम एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फालतू में तो आता नहीं हूँ कहीं पे, तो करने क्या है वो आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा क्या करने आए हैं। तो बन रहे ब्लॉग के अंदर हम करने आए हैं इस गड्ढे को, वो हमने कर दिया, ये देखो मैं से मजा कर रहा हूँ इस गड्ढे को करूँगा यहाँ पे मैं। तो चलते हैं गाइस आगे, हमने गाइस एक ना यहाँ पे एक हमारे एक छोटी सी शॉप है जहाँ हम लैम्बोर्गिनी कार बेचते हैं, क्या बोला, लैम्बोर्गिनी कार बेचते हैं, क्या बोला, लैम्बोर्गिनी कार बेचते हैं, औकात में रहो। वो गाइस यहाँ पे अपनी शॉप को खोलने आए क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने अपनी शॉप नहीं खोली है जहाँ पे अपनी कार बार बेचते हैं, ठीक है। तो लैम्बोर्गिनी का हमारा शॉप है, मतलब लैम्बोर्गिनी कार है टोटल वहाँ पे, जैसे लैम्बोर्गिनी हो गए और थार वगैरह हो गए, बड़ी बड़ी कार बेचते हैं हम यहाँ पे। तो चलते हैं गाइस आपको दिखा के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो एक लैम्बोर्गिनी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारी खड़ी है भारी, और शॉप के अंदर काफी सारी खड़ी हुई है, तो चलते हैं दिखाते हैं। तो ब्लॉग के अंदर बने रहना, वो गाइस ये रही हमारी लैम्बोर्गिनी, एक ये रखा रहा है, ये तो गाइस थारा पूरी, ये देखो ये तो लैम्बोर्गिनी खड़ी है दो तीन, ये देखो वहाँ से बात है, और ये थारा पूरी का इसके पास जाने में डर लग रहा है मेरे को, कहीं ये कुछ कर ना दे। वो गाइस माफ करना मैं तो मजाक कर रहा था बस ऐसे ही, ठीक है। और गाइस लेकिन अब ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिससे कोई मजाक नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे को ऐसी चीज देखने को मिली है, आप बताना गाइस कमेंट करके ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। वो आपको दिखाने वाला हूँ अभी, लेकिन कोई भी मजाक नहीं है, मजाक मत लेना, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, मेरा भाई यहाँ पे खड़ा था, तो हम उधर से आ रहे थे, तो मैंने सोचा नॉर्मल पानी यहाँ पे भरा हुआ है और इधर इसमें जा रहा है, तो मुझे क्या पता चला इसमें, देखो ये क्या हो रहा है आपको दिखाता हूँ, ये देखो आपको दिख ही रहा होगा ये क्या हो रहा है, बताइयो पता ना कैसे एक बार जरूर, यहाँ पता नहीं क्या हो जा रहा है, मेरा भाई लकड़ी जाने कह रहा है, पता नहीं एक बार, ओ ओ ओ लकड़ी पूरी गई क्या, हटियो निकालने एक बार। और गाइस अब देखो वापस हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, गाइस लग रहा है नीचे से पानी आ रहा है इसमें, है ना, खत्म भी हो रहा है इसमें, लग रहा है इसमें से आ रहा है नीचे से,
पता नहीं गाइस क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है हमें नहीं पता गाइस क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं गाइस, कमेंट में जिसको पता है। गाइस हो क्या रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। ये देखो नीचे से पानी आ रहा है शायद यहाँ से। गाइस पता नहीं कोई चमत्कार है फिर कोई ऐसा ही ऐसा पानी आ रहा है, या यहाँ पे कुछ नीचे पानी का सिस्टम है यार, बताने गाइस कमेंट में एक बार देखना, बहुत तेज हो रहा है ये देखो। कमेंट करके बताना एक बार नीचे में जरूर। और गाइस जो आपने अभी देखा था ठीक है वो मुझे पता चल चुका है वो कैसे हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ठीक है मुझे पता चल चुका है, लेकिन अभी आपको नहीं बताऊंगा, बस आपको बताना होगा कमेंट में ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ठीक है बताने गाइस कमेंट पता है तो मैं बता ही दूंगा, फिर रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपने बता दिया गलत बताया फिर भी रिप्लाई देकर बता दूंगा क्यों हो रहा है, और जो सही बताएंगे वो तो बता ही देंगे, ठीक है तो बताना गाइस कमेंट में, रिप्लाई हर किसी का दे दूंगा मैं, तो बताना एक बार कमेंट करके। मैंने पहली बार देखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चमत्कार हो रहा है, तो लेकिन अब मेरे को पता चला ये एक्चुअली हो कैसे रहा है, तो गाइस बताना कैसे हो रहा है, ठीक है। और गाइस मेरे को पक्का नहीं पता है, जैसे मैं सोच रहा हूँ अगर वही निकला तो फिर ठीक है, पर मेरे को पक्का नहीं पता कि वही है, ठीक है। तो गाइस आप लोग कमेंट करना एक बार ताकि मेरे को पता चल सके कि कैसे हो रहा है, ताकि मैं पक्का नहीं पता, ठीक है इसलिए कह रहा हूँ, वरना पता हो रहा तो बता ही देता और मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ हो रही है, फिर आप कमेंट करोगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। गाइस मेरे को पक्का नहीं पता है, गाइस आप कमेंट करना एक बार कैसे हो रहा है, ठीक है मेरे को बताना गाइस ताकि मेरे को पता। और गाइस अभी आ चुके हम घर पे, ठीक है वहाँ पे थे लेकिन अभी घर पे आ चुके हैं, क्योंकि घर पे आना जरूरी था तो आ चुके हैं घर पे, तो चलते हैं अभी घर पे, तो घर वालों से मिलाते हैं सब लोग से, क्योंकि आज पापा जी वो भी घर पे ही है, क्योंकि पता है सब लोग घर पे है कि मम्मी ना वो तो घर पे रहती है और पापा जी वो डेली बाजार जाते हैं, लेकिन आज घर पे जस्ट क्योंकि आज पापा की छुट्टी है बाजार नहीं गए, छुट्टी इसलिए क्योंकि आज है मंगलवार, तो मंगलवार को पापा बाजार नहीं जाते क्योंकि दुकान नहीं लगती किसी की नहीं लगती है, तो बाजार में छुट्टी रहती है, तो इसी वजह से गाइस पापा आज बाजार नहीं गए हैं, तो मिलवाते हैं क्या बोल रहा है, पापा नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई भी नहीं घर, कोई भी नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है यार, अभी देखता हूँ। पापा पापा हैं घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा गाइस में इतनी आवाज मार जा रहा हूँ कोई नहीं मिल रहा है, सब लोग गए एक्चुअली, हाँ कोई भी नहीं है, गेट भी बंद है, और स्कूटी देखता हूँ तो स्कूटी नहीं खड़ी हुई, आप मालूम पड़ा कहाँ गए हैं, लेकिन पता नहीं, लेकिन स्कूटी गायब है, तो मम्मी और पापा स्कूटी से कहीं गए हैं, मतलब कि साथ दवाई लेने गए होंगे, क्योंकि मम्मी के दांत में दर्द होता रहता है तो उसी की दवाई खत्म हो गई होगी, तो इसीलिए गाइस दवाई लेने गए हैं शायद, तो गाइस हम मम्मी पापा को नहीं दिखा सकते क्योंकि वो दवाई लेने गए हैं, दिखा सकता हूँ जब आएंगे तब, क्योंकि अभी तो आए नहीं। और गाइस अभी लगभग काफी देर बाद फाइनली हमारे घर पे सब लोग आ चुके हैं, बहुत देर बाद आएगा, सब शाम भी हो चुकी है, देखो काफी सारा शाम हो रही है, आ चुके हैं तो अभी मिलाते हैं, ये देखो गाइस मम्मी जी इधर है, और आते ना रोटी बनाने लगे क्योंकि रोटी खत्म हो चुकी है, तो ये आ चुकी है, तो मम्मी दवाई लेने गई थी क्या, अच्छा जी गाइस दवाई लेने गई थी, मैंने आपको पहले बोला था, तो पापा जी को नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि पापा जी ना वापस से आते ही फिर से चले गए, कहाँ गए यहाँ पे, पापा स्कूटी खड़ी थी ना वो अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा वो स्टार्ट होने में या फिर चलने में दिक्कत हो रही है उसमें थोड़ी, तो वो मतलब लेके गए मैकेनिक के पास ताकि वो सही हो सके, तो वो तो काफी देर से आएंगे क्योंकि ना काफी दूर गए हुए हमारे गांव से काफी दूर, मतलब हमारे घर से काफी दूर दुकान है उनकी, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में, तो तब तक गाइस अभी हम ही ब्लॉग बनाएंगे, पापा नहीं दिखा पाऊंगा, अगले ब्लॉग दिखा सकता हूँ जब बस अगला ब्लॉग आएगा, तब तक वेट करो ठीक है। और गाइस अभी आ चुके हैं रोड पे ठीक है, और गाइस आप ना एक कमेंट यहाँ से कर देना ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जाती है और कहाँ कहाँ नहीं देखी जाती है, तो कमेंट पता क्या करना है, पता देना कहाँ से देख रहे हो आप मेरी वीडियो, मतलब कहाँ से देख रहे हो, कितने दूर से देख रहे हो, मतलब कौन से राज्य से कौन से जिले से, सब सारा कुछ बता देना ठीक है, बताना जरूरी ताकि मेरे पता चल पाए कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जाती है। एक भाई का कमेंट आया था वो शायद पता नहीं कहाँ से थे, मेरे को याद नहीं रहा, वो काफ़ी दूर से थे ठीक है, तो आप भी कमेंट करना मेरे को ताकि मेरे को पता पड़ पाए मेरी वीडियो कहाँ कहाँ चलती है ठीक है। और बस इस गरीब के लिए प्लीज़ गाइस सपोर्ट यहाँ से करते रहना, गाइस हम मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं कह सकते क्योंकि हम गाइस अपने लेवल से बहुत नीचे हैं, तो नहीं कह सकते, तो प्लीज़ अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो गाइस अगर हम मेहनत करते रहेंगे ना तो एक दिन आगे जरूर बढ़ पाएंगे, वो कब मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ ना, लेकिन आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाओगे तो जल्दी मैं सक्सेस हो सकता हूँ, लेकिन गाइस अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और ना कुछ अभी मेरे को अच्छी खास सफलता मिल पा रही है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं लाइफ में आगे कुछ कर पाऊँ, क्योंकि गाइस सक्सेस होने के लिए हर बंदा मेहनत करता है कि यूट्यूब पर कुछ कर पाए, तो गाइस मैं भी कुछ चाह रहा हूँ गाइस जैसे और लोग पॉपुलर हो रहे हैं वैसे गाइस मैं भी कुछ कर पाऊँ यूट्यूब पे, क्योंकि काफ़ी लोग मैं दिखा हूँ काफ़ी लोगों की फर्स्ट पेमेंट आ रही है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि लोगों की फर्स्ट पेमेंट आ रही है लेकिन हमारी नहीं आ रही है, बुरा लगता है गाइस मेरे को, बस हमें भी सपोर्ट करिए जैसे उनको कर रहे थे हमें भी करिए ताकि मेरा भी फर्स्ट पेमेंट जल्दी आ सके, तो करते ब्लॉग हम पेन तो वीडियो पसंद आया करते हैं लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस, मिलेंगे आपको एक और इंटरेस्टिंग और नए ब्लॉग के साथ, तो जय हिंद और